सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है शोर के दूसरे एपिसोड में, जिसका नाम है, जिसका पूरा नाम है शोर शीशे के दूसरी ओर। शीशे के दूसरी ओर नाम रहा कहीं ना कहीं बिकॉज लोग हमें देख रहे हैं स्क्रीन के दूसरे तरफ से, सो दैट इज़ अ लॉजिक। सो शुरू करते हैं, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ हैं तनिष्क, सज्जन और हर्षा। तनिष्क, पहले आपके आप पे आते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए और कब से लिख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइए। मेरा नाम तनिष्क है, लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, सुनना काफ़ी पसंद है। 2010 या 11 के आसपास जावेद अख्तर जी के कुछ राइटिंग्स पढ़े थे, उसके बाद से लिखना शुरू कर दिया। बस मज़ा सा आ गया, बिल्कुल ज़िंदगी बन गई, तब से लिखे ही जा रहे हैं। बहुत अच्छा। हर्षा, आप अपने बारे में कुछ बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षा है, मैं पटना की रहने वाली हूँ और करंटली मैं फिजिकल फील्ड की स्टूडेंट हूँ। और मुझे लिखना पढ़ना उतना पसंद नहीं था, और बस पढ़ती थी और सुनती थी लोगों को। पर मेरे लाइफ में एक बहुत ही, मतलब कि मेरे परिवार के एक बहुत ही अहम सदस्य ने, वो बहुत अच्छे लेखक है, उनसे मैं इंस्पायर हुई और उनके ही थ्रू मैंने लिखना शुरू किया और आज लिखती हूँ। वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं शुरू से। शुक्रिया आप सबसे पहले। तो मेरा नाम सज्जन है और बेसिकली मैं हाजीपुर से हूँ। तो पिछले 2 सालों से मैं राइटिंग में हूँ, लिख रहा हूँ। मेजरली मुझे प्रेरणा मिला था मुनव्वर राना और राहत तंदूरी साहब को पढ़ने के बाद लिखने का। तो उसके बाद से मेरे साहित्य में, लिखने में और पढ़ने में मतलब रुचि बढ़ती चली गई और आज अपने हैं आपके जिस मुकाम पे पहुंच गए। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी हमेशा सीखते रहते हैं। तनिष्क भाई, आपसे शुरुआत करते हैं, आज हमारे लिए क्या लाए? वेल, आज सुबह मैं देख रहा था जावेद अख्तर जी का ये तुम होती तो कैसा होता, तो वो देखने के बाद ऐसा लगा ना जैसे उन्होंने बोला कि हम सब जिप्सीज हैं, हम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार अभी टाइम रुका हुआ है, अभी हम सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं, तो इस पर ही कुछ लिखते हैं। इंस्पिरेशन अगेन जावेद अख्तर जी हैं। तो कुछ ऐसे है, कई शाम गुजरते हुए मुझसे ये सवाल कर गए, क्या हुआ जनाब तुम भी ठहर गए। अब क्या जवाब दूं इस इल्ज़ाम का, क्या फ़ायदा हो उस जवाब का। अगले शहर तो हमें भी जाना है, हमें भी तो कुछ काम था। वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, मुक होकर बैठे हैं, मेरे सवाल घर लौटकर मुझे ही कोस देते हैं। ऐ गुजरते हुए हमराही, ऐ गुजरते हुए हमराही, तुम मेरा ये पैगाम लेते जाना, जब गुजरो उनके रास्ते तो मेरा सलाम देते जाना। कह देना इंतज़ार करें, कह देना इंतज़ार करें, मैं आऊँगा फिर किसी दिन, उन पहाड़ों से कहना मैं भी तो हूँ उनके बिन। तन्हाई की चोटी पे वक्त काटता हुआ, हर रोज़ टूटे तारों से अपना गम बांटता हुआ। गुजरती हवाओं से, गुजरती हुई हवाओं से बातें करता हूँ तुम्हारी, वो मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे तुम्हें कितनी याद आती है तुम्हारी। कई शाम गुजरते हुए मुझसे ये सवाल कर गए, क्या हुआ जनाब तुम भी ठहर गए। थैंक यू। बहुत उम्दा, बहुत अच्छे तनिष्क भाई, बहुत अच्छे। हर्षा, आपके पास आना चाहूंगा, आप हमारे लिए क्या लाए हो आज? शुक्रिया। शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी, और उनमें है कि एक इंसान क्या करता है, और इंसान गलतियां करता है। मैं भी अभी अपने इनिशियल स्टेज में हूँ, मैं सीख रही हूँ, तो मैं जब गलतियां करूँ उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं। इंसान हूँ ना, करना गलतियां फितरत है मेरी, इंसान हूँ ना, करना गलतियां फितरत है मेरी, पाप पुण्य कर्मों पर निहित किस्मत है मेरी। पाप में ना साथ देना, गलतियों पर डांट देना,
पाप में ना साथ देना, गलतियों पर डांट देना, फिर भी गिर पड़ूं खुद की नजरों में जब, उठने को तब अपना हाथ देना। शुक्रिया। मेरी कविता अब शुरू, मैं अपनी कविता शुरू करना चाहती हूँ आज के सिचुएशन से। आज कहीं ना कहीं हम लोग सभी अपने अपने घरों में हैं और अपने अपने माँ बाप, दादा दादी और अपने परिवार के साथ हैं। तो हम लोग कई बार अपने दादा दादी से या माँ बाप से या अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, हमारे समय का जमाना ऐसा था, हमारा गाँव ऐसा था, हम लोग ऐसे रहा करते थे। सो उस पर ही मैंने कुछ लाइन्स लिखी है, कुछ मतलब उस जमाने को जीने की कोशिश है, शायद आप लोगों को पसंद आएगी। शुरू करती हूँ। वह गांव, वो मिट्टी का घर, मिट्टी, वो ईंट की दीवार, वो खपड़ों की छत, वो बरगद की छांव, वो गर्मी की दोपहरी, ठंडी के ठिठुरे पांव, वो आंगन की तुलसी और कागज वाली नाव, वो बाबा की डांट, वो बाबा और दादा दुलार, दादा डर और मात मार, वो अपनों की दूरी, वो अपनों की दूरी, खतों का इंतजार, गोबर माटी से लिपी फर्श, कलाकृति की दर, कुछ ऐसा ही तो था, कुछ ऐसा ही तो था हमारे बीते वक्त का सार। छत तो थी, ध्यान से सुनिएगा, छत तो थी मगर मगर दीवारें ना थी, छत तो थी मगर दीवारें ना थी, बात तो थी पर मगर बेवजह की विवादे ना थी, गम ना थी किसी एक के हिस्से, गम ना थी किसी एक के हिस्से, कच्चे घर और पक्के थे रिश्ते, सस्ता सामान और महंगे इंसान, ना बेचते थे कागज के टुकड़ों पे अपना ईमान, सावन के झूले और फसलों की अटखेलिया, सावन के झूले और फसलों की अटखेलिया, धूल में सनी वो बेवजह की ठिठोलिया, गुरुकुल की पढ़ाई, गुरुकुल की पढ़ाई और एकलव्य से शिष्य, वहां साई अल्लाह गुरु हरि के भी थे एक ही दृश्य, थे उनकी एक थाल, ना थे अलगाव वादियों के जाल, खेतों में मजदूरी और दिल थे माला माल, मासूमियत से भरपूर ना ईर्ष्या भी रखे थे पाल, हरा भरा वो नजारा था, हरा भरा वो नजारा था, पानी बेशक ना खारा था, ना घरों में ताले थे, हम लोग जानते हैं कि हमारे पुराने जमाने में घरों में ताले नहीं लगते थे, ना घरों में ताले थे, ना किसी ने वहम भी पाले थे, वृक्षों पर आम थे, वृक्षों पर आम थे, दिल में अल्लाह वाहे गुरु और राम थे। ये वो जमाना जब ज्येष्ठ भी ना बदन जलाती थी, क्योंकि बरगद पीपल की छांव राहत दिलाती थी, वो पल बेशक पुराना था, वो पल बेशक पुराना था, पर बेशकीमती वो जमाना था, ना वो पल लौटेगा ना वो जमाना आएगा, बस सारी यादों का फसाना संग रह जाएगा, संभाल लो उन पलों को और जोड़ लो उन घरों को, क्या पता शायद आज का दौर भी देखने को कल आंख तरस जाएगा। शुक्रिया। काफी प्यारा लिखा, जिंदगी से हम सभी रिलेट कर पा रहे थे आई गेस, जो जो आपने कहा बहुत अच्छा। सजन भाई आप पे आते हैं, आप क्या लाए हो, प्यार पे लाए हो क्या? आज तो बीएमटीसी बसेस। आज सुनाते हैं हम एक 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 मोहब्बत की सुनाते हैं और एक संजीदा गजल जो भी कुछ दिन पहले पोस्ट करी थी। सुनिएगा कि मेरी कश्मकश का इलाज है वो लड़की, मेरी कश्मकश का इलाज है वो लड़की, मैं गजल हूँ तो फिर फराज है वो लड़की, मेरी कश्मकश का इलाज है वो लड़की, मैं गजल हूँ तो फिर फराज है वो लड़की, मेरी खामोशी पर तुम सवाल मत करो, मेरी खामोशी पर तुम सवाल मत करो, मैं गूंगा नहीं मेरी आवाज है वो लड़की, मैं गूंगा नहीं मेरी आवाज है वो लड़की, और मैं उड़ ना सकूं तो मेरे पर काट दिए तुमने, मैं उड़ ना सकूं तो मेरे पर काट दिए तुमने, अरे इस परिंदे का भी परवाज है वो लड़की, अरे इस परिंदे का भी परवाज है वो लड़की, मेरी मुस्कुराहट की वजह जानना चाहते हो, मेरी मुस्कुराहट की वजह जानना चाहते हो, मेरी मुस्कुराहट का भी राज है वो लड़की, मेरी मुस्कुराहट का भी
राज है वो लड़की, और सियासत भी कम नहीं हम दोनों के दरमियान, सियासत भी कम नहीं हम दोनों के दरमियान, मैं बिहारी हूँ तो मुंबई का ताज है वो लड़की, मेरी कश्मकश का इलाज है वो लड़की। बहुत और एक बहुत ही नई रचना की कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट भी करा था मैंने कि सुनेगा कि जंग अगर कभी हुई तो किस बात पर होगी, जंग अगर कभी हुई तो किस बात पर होगी, कहानी जमीनी होगी या बस जज्बात पर होगी, जंग अगर कभी हुई तो किस बात पर होगी, कहानी जमीनी होगी या बस जज्बात पर होगी, लैला को जिंदगी मैसर होगी इश्क में, लैला को जिंदगी मैसर होगी इश्क में, या बात बस मजनू की जात पर होगी, या बात बस मजनू की जात पर होगी, लैला को जिंदगी मैसर होगी इश्क में, या बात बस मजनू की जात पर होगी, उस कबीले का सरदार ही आरोपी निकला, उस कबीले का सरदार ही आरोपी निकला, देखना अब चाकू की नोक इंसाफ पर होगी, देखना अब चाकू की नोक इंसाफ पर होगी, और ईद पर चांद नहीं दिख रहा आसमान में, ईद पर चांद नहीं दिख रहा आसमान में, यानी सबकी नजर उसके हिजाब पर होगी, यानी सबकी नजर उसके हिजाब पर होगी, ईद पर चांद नहीं दिख रहा आसमान में, यानी सबकी नजर उसके हिजाब पर होगी, शहर में ये जो जलजला आया है अभी, शहर में ये जो जलजला आया है अभी, यानी अमीरों की भी नजर अब खैरात पर होगी, अमीरों की भी नजर अब खैरात पर होगी, और दिन के उजाले में सब देख लेते उसको, दिन के उजाले में सब देख लेते उसको, तो कातिल की नजर अब रात पर होगी, जंग अगर कभी हुई तो किस बात पर होगी। बहुत अच्छा सचिन, बहुत अच्छा, बहुत कमाल लिखा सचिन भाई, आजकल आप तोप मार रहे हो एक से एक। फिर वापस आते हैं आपके पास। तनिष्क भाई कुछ और लाए हो? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज। हाँ सब जैसे इन्होंने बात कर दी इश्क की, तो इश्क पे ही फरमा देते हैं कुछ। बिल्कुल इशारा। बस इतनी सी दास्तां है मेरी, बस इतनी सी दास्तां है मेरी, कि हर कब्र के हर दरगाह पर कब्र है, और हर शाम एक टूटा तारा में। लोग कहते हैं इश्क नहीं समझते तुम, लोग कहते हैं इश्क नहीं समझते तुम, तो कई जोया प्रीति हो गई, कई प्रीति पारो, हम कब कबीर सिंह से कबीरा हो गए, कैसे बताएं यारो। बस इतना ही याद है। हाँ बहुत शुक्रिया तनिष्क, थैंक यू। हर्षा, हर्षा कुछ और भी लिखा है? हाँ ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। सर ये कविता है लिखेंगे, आमतौर पे सर हम लोग अपने अपने मोहब्बत पे जो भी लिखना पसंद करते हैं वो लिखते हैं अपनी मोहब्बत को, तो इसी कविता का नाम है लिखेंगे। चल जिंदगी आज उनसे मुलाकात लिखेंगे, जिंदगानी की कुछ शामें उनके नाम लिखेंगे, गैर इनकार जो किया उन्होंने, गैर इनकार किया उन्होंने ना, ये शिकवा सरे आम लिखेंगे, हाँ कुर्बान करेंगे हर लम्हा बस उन पर, हाँ कुर्बान करेंगे हर लम्हा बस उन पर, बस इसका चर्चा ना सरे बाजार लिखेंगे, चल जिंदगी उनसे आज एक मुलाकात लिखेंगे। एक उन्हें ही बना जिंदगी, एक उन्हें ही बना जिंदगी, उन्हें इस दिल का तलबगार लिखेंगे, एक उन पे ही जिंदगी की पूरी कहानी की व्याख्यान लिखेंगे, चल जिंदगी आज तेज धड़कनों की एहसास कुछ दास्तानी लिखेंगे, उनकी मुस्कुराहट और इन तेज धड़कनों की एहसास कुछ दास्तानी लिखेंगे, अपने पूरे जज्बातों की बस एक उन पर ही नीलामी लिखेंगे, रूह से रूह के मिलन की दरखास्त, रूह से रूह के मिलन की दरखास्त कुछ मुझजबानी लिखेंगे, ऐ जिंदगी चल तेरे हर फैसले का हक उन पर खानदानी लिखेंगे, कैसे बसे हैं वो मेरी रूह में, कैसे बसे हैं वो मेरी रूह पे, चल इस पे कुछ रूहानी लिखेंगे, धड़कनों की हर आवाज जो गीत पिरोती है आज, चल उस पे कुछ आशिकानी लिखेंगे, चल जिंदगी आज उन पे एक मुलाकात आशिकानी लिखेंगे। बहुत अच्छा, अच्छा सजन भाई एक कार्ड टू लाइनर रखे हो?
टू लाइनर्स एक सुनाते हैं कि टू लाइनर्स भी है लेकिन उससे उम्दा प्रेम पे ही सुनाते हैं, प्रेम पे ही सुनाते हैं बट दूसरी तरफ से सुना रहे हैं और लिखे हम है बट तो क्या ख्याल चल रहा है उधर सुनिएगा कि मुझे तुम मेरी हुस्न के कायल लगते हो, मुझे तुम मेरी हुस्न के कायल लगते हो, सुनो सज्जन तुम बहुत पागल लगते हो। मुझे तुम मेरी हुस्न के कायल लगते हो, सुनो सज्जन तुम बहुत पागल लगते हो, अब और कितना लिखोगे मुझ पर गजलें, अब और कितना लिखोगे मुझ पर गजलें, हाँ मैं खनक हूँ तुम पायल लगते हो, हाँ मैं खनक हूँ तुम पायल लगते हो, मेरी आंखें भी मुंतजिर हैं तुम्हें देखने को, मेरी आंखें भी मुंतजिर हैं तुम्हें देखने को, तुम भी इन्हीं आंखों से घायल लगते हो, तुम भी इन्हीं आंखों से घायल लगते हो, धूप से मेरे पांव जल रहे हैं कि तुम आ जाओ, धूप से मेरे पांव जल रहे हैं कि तुम आ जाओ, इस भरी दोपहरी में भी तुम बादल लगते हो, इस भरी दोपहरी में भी तुम बादल लगते हो। आखिरी आखिरी पंक्ति की हमारे मिलने पर लोग सवाल करेंगे जरूर, हमारे मिलने पर लोग सवाल करेंगे जरूर कि तुम कौन हो और मेरे क्या लगते हो, मुझे तुम मेरी हुस्न के काय लगते हो। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, सोचना पड़ता है रितांशु भाई। हाँ भाई, हम लोग को सोच सोच के काम चलाना पड़ता है। बहुत अच्छा। और भी और एक छोटा सा एक छोटा सा शेर की, शायद मैं काफिर हूँ, शायद मैं काफिर हूँ खुदा को नहीं मानता, शायद मैं काफिर हूँ खुदा को नहीं मानता, इश्क अगर मजहब नहीं तो मजहब को नहीं मानता, शायद मैं काफिर हूँ खुदा को नहीं मानता, इश्क अगर मजहब नहीं तो मजहब को मजहब, इश्क अगर मजहब नहीं तो मजहब को नहीं मानता, तुम्हारे होठों की तलब अगर मेरी प्यास नहीं है, तुम्हारे होठों की तलब अगर प्यास नहीं है, तुम्हारे होठों की तलब को तलब नहीं मानता, शायद मैं काफिर हूँ खुदा को नहीं मानता। बहुत बहुत शुक्रिया, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, काफी अच्छे अच्छे पीसेस सुनाए आपने, तनिष्क, हर्षा, सज्जन भाई, बहुत मजा आया सभी को सुनकर, तो फिर जरूर मिलेंगे हम, कुछ नया जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच दीप सर, थैंक यू सो मच दीप सर एंड अर्ज किया है टीम, थैंक यू अर्षा, थैंक यू, थैंक्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कि हम भी मेंटेन कर रहे हैं, आप लोग भी मेंटेन रखिए, घर पर रह के जितना कुछ क्रिएटिव हो सकता है वो कीजिए, सो एंजॉय द क्वारंटाइन पीरियड विद अर्ज किया प्रेजेंट शोर शीशे के दूसरी ओर, नमस्ते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।